नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे डे 6 का T20 प्रोग्राम, या छठा दिन है। इससे पहले पांचों PDF जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो एक दो दिन में सारे वहां पे PDF क्वेश्चन फॉर्म में या तो वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। जो लोग नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। मित्रों, आज हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज 100% सोलर पावर्ड। इसको हिंदी में देखेंगे, भारत में कौन सा हवाई अड्डा 100% सौर संचालित है। पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात, तीसरा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन केरल, और केम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। इन सबके नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। तो उत्तर हो जाएगा, सॉरी सी है, ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, ये डी नहीं सी है। कोचीन दुनिया का पहला पूर्ण संचालित हवाई अड्डा है। थॉमस के मुताबिक हजारों पैनल औसतन इतना किलोवाट औसतन थोड़ा अधिक उत्पन्न करते हैं। जो हवाई अड्डे भारत में सातवां व्यस्तम यह हवाई अड्डा है, और इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है, इसको अवार्ड भी मिला है, और जो प्रधानमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ मिला है अवार्ड, जो चैंपियन का चैंपियन ऑफ अर्थ, वो सौर ऊर्जा से ही संबंधित मिला है। तो अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि पहला कौन सा द्वीप जो है आरओ वाले क्वेश्चन में, आरओ वाले पेपर में, जो पूर्णतः सौर संचालित हो गया है। तो दमन दीव में दीव जो है वो पूरी तरह से सौर संचालित है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला है, इट इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया क्लाइम्ब वन स्पॉट टू 130 अमंग 189 कंट्रीज। बुरुंडी हैव द लोवेस्ट स्कोर इन द एसडीआई मेजरमेंट। हिंदी में देखेंगे प्रश्न को, एक मिनट। मानव सूचकांक 2018 के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है, सही है। दूसरा है कि 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 130 है, इससे पहले 131 था। एचडीआई के माप में बुरुंडी का सबसे कम स्कोर है, यह भी सही है, तीनों उत्तर सही है। यहां से एक प्रश्न लगातार पूछ रहा है, 2015 से लगातार एचडीआई से पूछ रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया नवीनतम जो मानव विकास रैंकिंग है, 2017 के लिए भारत SDI इतना था, जिसमें देश का मानव श्रेणी में रखा था। अगला देख लेंगे, इसमें पहले नंबर पे क्या है, नॉर्वे है। अगला प्रश्न, ये यहाँ पे 136 और 150 स्थान पर है, लास्ट में लास्ट वाले जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में ये दिया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार संस्थान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, इंग्लिश में इसका क्वेश्चन देख लेंगे केवल। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन बाय विच इंस्टीट्यूशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन UGC, इनमें से कौन देता है, तो ये देता है CSIR। देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इस दो दो ऑप्शन एक ही हो गया, इसको हम करेक्ट कर देंगे, PDF जब मिलेगा आपको तो ये मिलता है किसको, इसमें इस बार कई संस्थानों को मिला है, तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, इसका इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली बार अवार्ड कब दिया गया था, 1958 में, ये याद कर लेना। NAFTA नाफ्टा की जगह किस देश ने USMCA समझौते की जगह बनाई है, मतलब कि इसको रिप्लेस करके, नाफ्टा को रिप्लेस करके और
इसने कौन सी जो यूएसएमसीए समझौता बनाया है, इंग्लिश में प्रश्न देख लेंगे, विच कंट्रीज मेड यूएसएमसीए अग्रीमेंट रिमूविंग नाफ्टा, नाफ्टा को हटा करके। तो यूएसए और कनाडा ने, इसमें तीन देश हैं यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, तो इसके बारे में जान लेंगे। यूएसए कनाडा स्टक इन द डील अराउंड द, ये है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि इसमें तीन देश हैं यूएस, मेक्सिको और कनाडा, एग्रीमेंट, ये तीन देशों का एग्रीमेंट है, इसमें यूएस है, मेक्सिको है और कनाडा है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो ये चार डेट दी गई है, 18 अप्रैल, 18 मई, 18 जून और 18 जुलाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल ए। इस डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी, थीम को बस जान लेंगे, थीम ऑफ द हेरिटेज फॉर जनरेशन, मतलब कि पीढ़ियों के लिए विरासत, ये इसका वो था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे की घोषणा हुई थी और ये यूनेस्को द्वारा 1983 से दिया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट, इंडिया उज्बेकिस्तान साइंड 17 एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी टूरिज्म एंड हेल्थ सेक्टर। समरकंद सिटी, समरकंद रीजन, द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश टू डेवलप देम एज अ सिस्टर सिटी। एक सिस्टर सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें तीन चार सिस्टर सिटीज इंपॉर्टेंट हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, इससे पहले भी हम प्रश्न बना चुके हैं इस पे, अजमेर, इलाहाबाद, वाराणसी, जैसे टोक्यो ने लिया है वाराणसी को, अजमेर इलाहाबाद को अमेरिका के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसी प्रकार से एक कोऑपरेशन डेवलप हो रहा है समरकंद सिटी और अलीगढ़ में, तो ये अलीगढ़ नहीं है, इसकी जगह आगरा है, हम इसमें हिंदी में देख लेंगे। हर साल विश्व विरासत दिवस हो गया है। भारत उज्बेकिस्तान ने सुरक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए 17 समझौते किए हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये, देख लीजिएगा। समरकंद शहर को, ये आगरा शहर है, आगरा नगर निगम के साथ सिस्टर सिटी विकसित किया जा रहा है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, ये सही है, मतलब कि एक और तीन सही है, उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा इसका सी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, ये देखिए शकवत मिर्जियावन, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हैदराबाद हाउस में अभी जल्दी यहां आए थे और उसी के दौरान ये सारी समझौते हुए हैं। लास्ट में देख लेंगे, समरकंद शहर, उज्बेकिस्तान गणराज्य और आगरा नगर निगम उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। किस राज्य ने अटल पीक नामक अपने माउंटेन शिखर का नाम दिया है, मतलब कि अटल के नाम पर उन्होंने एक पर्वत का नाम रखा है, उत्तर में है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पर्वतारोहण से पर्वतारोहियों की एक टीम जल्दी उस चोटी को खोजने के एक अभियान शुरू करेगी, ये गुमनाम चोटी है, देहरादून में ये डिसाइड किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे वहां का चोटी का नाम रखा जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, संयुक्त अरब अमीरात ने में 14वां एशिया कप हुआ, सही है, अभी जो एशिया कप हुआ है, भारत ने लगातार 7 साल का खिताब जीता, तो ये गलत है, लगातार 7 साल नहीं जीता है, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया, तो ये भी गलत है, फाइनल में बांग्लादेश को हराया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा के फाइनल में पहुंचा था, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, दो और तीन गलत है, एक सही है। 2018 एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, एशिया कप का 14वां संस्करण था ये, तीसरी बार टूर्नामेंट यहां पर हुआ है, 84 में, 95 में और अभी 2018 में, और मौजूदा चैंपियन भारत था, बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर खिताब जीता, यह भारत का 7वां खिताब था लेकिन लगातार 7वां नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शहर में प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर को जन आरोग्य योजना,
आयुष्मान भारत योजना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो इससे संबंधित है जन आरोग्य योजना, वो 23 सितंबर को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ने किस शहर से शुरुआत की थी? तो ये रांची झारखंड। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को और लगभग 50 करोड़ सदस्यों को, नागरिकों को ये सुविधा दी जाएगी, आरोग्य की सुविधा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बारिश का सबसे अधिक स्थान बन गया है अब? मौसिनराम पहले था, इम्फाल नहीं, महाबलेश्वर होगा, उत्तर हो जाएगा सी। महाबलेश्वर की लोकेशन कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे इस बार रिकॉर्ड बारिश कितनी? 5661 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि चेरापूंजी में 4735। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2018 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया? इंग्लिश में भी प्रश्न देख लेते हैं केवल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं होता है उनका, तो संख्या उनकी ज्यादा नहीं है फिर भी। अगला प्रश्न देखेंगे, जन आरोग्य रांची वेटेस्ट प्लेस अब क्या हो गया है? महाबलेश्वर, इसको जरूर याद करिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्ट है, भूल जाते हैं हम, मौसिन राम ही मार के चले आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इन्विसिटी ऑन सितंबर 1, 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको आईपीपीबी बोला जाता है, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में इन्होंने लॉन्च किया था। बस इतना ही, इसमें ज्यादा जानकारी हमने मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न बनाए हैं, उसमें आप देख लेंगे, जब पीटी के बाद हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे, हु रोट द बुक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ यूर ईयर इन ऑफिस विच इज रिलीज बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये किसने लिखी है? पुस्तक का नाम फिर से सुन लें, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, किसके द्वारा लिखी गई है? काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये परीक्षा में आ सकती है। तो वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने लिखी है अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के बारे में। इस समय जो है लॉन्च के समय मनमोहन सिंह भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, और नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, शायद ये सॉरी जो आरोग्य ये लॉन्च किया गया था पोस्ट पेमेंट बैंक, वो ताल कटोरा में हुआ था, ताल कटोरा स्टेडियम, वो बुक वाला मुझे याद था, इस वजह से मैं बोल दिया, ये ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। तो मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ये जरूर याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज मिल बैंचे एन इनिशिएटिव प्रोग्राम बिटवीन स्कूल्स एंड सोसाइटी, एमपी गुजरात उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदी में देखेंगे इसको। किस राज्य ने हाल ही में मिल बैंचे प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि स्कूलों और सोसाइटी, जो समाज होता है अपना सोसाइटी, उसके बीच इंटरेक्टिव प्रोग्राम है? तो ये मध्य प्रदेश शिवराज मामा ने लॉन्च किया है, उनको मामा लोग बोलते हैं। मिल बैंच, ये सरकारी स्कूलों में इनको गिफ्ट के माध्यम से बच्चों को गिफ्ट दिया जाएगा सरकारी संस्थाओं द्वारा, जो एनजीओ हैं और बड़ी समाज के जो भी समाज सेवा में काम करती हैं उनको और बच्चों को इंटरेक्ट कराने का एक प्रोग्राम है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश नौसेना शिप एक सद्भावना यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंची? तो बीएनएस बांग्लादेश नेवल सर्विसेज जो है उसके कौन सा नाम है इसमें? तो बीएनएस समुद्र जॉय, बांग्लादेश नेवल शिप समुद्र जॉय 16 अक्टूबर 2017 को पूरी नौसेना की 4 दिवसीय साधारण यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, यूएस ओपन 2018 का विजेता कौन है? तो ये भी यहां से भी यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, यहां से सारा जो है आप याद कर लीजिएगा कौन जीता कौन हारा। तो आज हम देख लेंगे यूएस ओपन में सिंगल
सिंगल में नोवाक जोकोविक ने पुरुष खिताब किसको डेल पोट्रो को हराकर जीता, और यह तीसरा ओपन खिताब था इनका, 14वां ग्रैंड स्लैम था। तो नोवाक जोकोविक के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब कथन कारण में देने लगा है प्रश्न खिलाड़ियों से। रोजर फेडरर के बारे में पूछ चुका है, विराट कोहली के बारे में पूछ चुका है, इस बार मीराबाई चानू, नोवाक जोकोविक, ये विराट कोहली फिर से महत्वपूर्ण है, और मंधाना के भी बारे में पूछ चुका है। तो क्रिकेटर्स के बारे में पूरी जानकारी पूछ रहा है, लगातार पेपर्स में देख रहे हैं आप। तो उत्तर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविक। और महिला एकल का खिताब, नोआमी ओसाका ने फाइनल में सेरेना विलियम्स को पराजित किया, जो जापान के पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं, ये नोआमी ओसाका। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बेगी बेल होगा, किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है इसका? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे इसका निर्माण किया जा रहा है। उत्तर हो जाएगा इसका डी, भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बेगी बेल का उद्घाटन इस वर्ष अक्टूबर में किया जाएगा। अभी ये बना नहीं है, 4.94 किलोमीटर का ये सबसे लंबा रेल पुल सड़क होगा, इसका उद्घाटन करेंगे शायद प्रधानमंत्री, अभी ये प्लान है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश 2018 में क्लाइमेट एक्शन वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कैलिफोर्निया में हो रहा है, उत्तर इसका हो जाएगा ए, कैलिफोर्निया शहर के गवर्नर जो है एडमंड जी ब्राउन ने घोषणा की सैन फ्रांसिस्को में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन जलवायु नेताओं की मेजबानी करेगा, ये सितंबर 2018 में होगा, हो चुका होगा, ये पहले का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने 2018 दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप जीता? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत इसमें हार गया है, मालदीव ने जीता है भारत को हरा करके। उत्तर हो जाएगा इसका सी, मालदीव ने दूसरी बार ये ट्रॉफी जीती है, 2008 संस्करण का भी खिताब जीता था इन्होंने, तो यही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह देश जो दुनिया का पहला देश बन गया अपनी बाघ आबादी को दुगना करने के लिए, बाघ आबादी जो है हर जगह घट रही है, तो ये कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी बाघ आबादी को दुगना किया है, टाइगर पॉपुलेशन? तो उत्तर हो जाएगा इसका नेपाल डी, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिने कलाकार को गुडविल राजदूत नियुक्त किया गया है नेपाल पर्यटन के लिए? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, जयप्रदा। जयप्रदा को 4 सालों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सद्भावना राजदूत, ये 60 वर्षीय अभिनेत्री हैं, ये पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। तो मित्रों ये रहा पूरा कार्यक्रम, और पीडीएफ जल्दी अवेलेबल हो जाएगा सारा, ग्रुप में जो लोग हैं उनको तो मिल ही जा रहा है, बाकी वेबसाइट पे हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में टाइप कराना चाह रहे हैं, तो वो काम चल रहा है, जल्दी दोनों पीडीएफ और क्वेश्चंस भी उस पे आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर ही। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।